नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम चंबा घाट क्षेत्र से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सोलन में चंबा घाट क्षेत्र में अब सर्विस लेन का यहां पर निर्माण कार्य चला हुआ है, क्योंकि फ्लाईओवर ऊपर से बन रहा है तो जो नीचे की सड़क है फ्लाईओवर के नीचे की ये सर्विस लेन होगी शहर के सोलन शहर से अन्य क्षेत्र को जोड़ने के लिए। हालांकि अभी वाहनों की आवाजाही यहीं से ही है, नेशनल हाईवे की चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग के वाहनों की आवाजाही दूसरी लेन की तरफ से लगातार बनी हुई है, लेकिन सर्विस लेन का निर्माण यहां पर हो रहा है और फोर लेन निर्माण के वजह से लोगों को काफ़ी सारी दुश्वारियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। परमाणु से लेकर शिमला तक केसरी घाट तक जहाँ तक भी फोर लेन के निर्माण का कार्य चला हुआ है तो लोगों की परेशानियां कम होने की बजाय बढ़नी ही परेशानियां बढ़ी है। बरसात के सीजन में जिस तरह से यह हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई, प्राकृतिक आपदा आई, तो नेशनल हाईवे के ऊपर फोर लेन के ऊपर चंडीगढ़ से शिमला के बीच में कई जगहों पर जमीन फोर लेन की धंसी, जिसकी वजह से मकानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होना हुआ और इसके अलावा कई जगहों पर भूस्खलन के मामले सामने आए और इसी तरह के कई प्रकार के मामले का कई जगहों पर लोगों की पानी की पाइपें टूटी है, तो इसी तरह का एक मामला सोलन में भी सामने आया, जिसकी वजह से चंबा घाट के काफ़ी सारे क्षेत्र में पानी की आपूर्ति इस वक्त प्रभावित हो चुकी है। सड़क के निर्माण की वजह से चंबा घाट के फ्रेंड्स कॉलोनी और ब्रूरी को पानी की पाइप जो पानी जिस पाइप से आपूर्ति की जाती है उन क्षेत्रों को वो अब टूट गई है और उसके वजह से पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है और पेयजल संकट इस वक्त गहराया हुआ है। सोलन के चंबा घाट क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 की बात है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि काफ़ी पानी बहा भी है, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर जेसीबी लगी हुई थी, तो क्योंकि यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, सर्विस लेन का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि फोर लेन निर्माता कंपनी के कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल लिया है ताकि इस पाइपलाइन को किसी तरह से जोड़ा जाए, ताकि जिन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बाधित हुई है वहाँ को पानी पहुँचाया जा सके, क्योंकि सोलन में पेयजल संकट हमेशा ही गहराता है, चाहे मामला अत्यधिक बारिश का हो, बीच में कभी बारिश ना होगी तो गिरी पेयजल योजना से पानी की आपूर्ति बाधित हो जाती है, कई बार पाइपें फट जाती है, इसी तरह से अश्विनी खड्ड से भी पानी की आपूर्ति बाधित होती रहती है, तो सोलन में अक्सर पेयजल संकट का मामला देखने को मिलता है। 4 दिन बाद पानी की आपूर्ति होती है। फ्रेंड स्टोन आप देख रहे हैं कि नीचे का क्षेत्र है जहाँ को पानी की आपूर्ति होनी थी और ब्रूरी, क्योंकि और ब्रूरी को भी यहीं से ही पानी की आपूर्ति होनी थी तो वो पाइप इस वक्त टूटी हुई है और फोर लेन निर्माता कंपनी के कर्मचारी इस पाइप लाइन को जोड़ने में लगे हुए हैं। हालांकि यह नगर निगम सोलन की पाइप है, नगर निगम के अधिकारी ना कर्मचारी यहां पर मौके पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फोर लेन निर्माता कंपनी के कर्मचारियों ने अभी मोर्चा संभाला हुआ है ताकि इस लाइन को किसी तरह से जोड़ा जा सके। समस्या ये आ रही है सबसे बड़ी यहाँ पर, यदि कंपनी के कर्मचारियों की बात माने, क्योंकि यह पाइप जो यहाँ पर लगी हुई है ये पिच रोड पर है और उनका कहना है कि जब यहाँ पर सड़क का निर्माण हो जाएगा और यदि पाइप नीचे दब गई और बाई चांस कभी पाइप में खराबी आए तो NHAI की परमिशन के बिना तो उस सड़क को या उस पाइप को निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि सड़क पर खुदाई नहीं की जा सकती, क्योंकि NHAI की परमिशन के बिना और उस पर खर्च भी काफ़ी करना पड़ेगा। तो अभी मौका है कि आप अभी काम चला हुआ है तो सड़क जो पाइपलाइन है उसे साइड से बिछाया जाए ताकि इस प्रकार की कभी समस्या आए तो आपको समस्या से दो चार ना होना पड़े, लोगों को पानी की जो आपूर्ति है वो बाधित ना हो। तो इसलिए यह प्रयास किया जा रहा है कि अब इस पाइपलाइन को यहाँ से और डंगे के ऊपर से परे को निकाला जा रहा है, क्योंकि जो टैंक है वो ऊपर पहाड़ी पर स्थित है जहाँ से पानी की आपूर्ति चंबा घाट क्षेत्र को होती है। आज क्योंकि शहर में चौथे दिन पानी की आपूर्ति हो रही, तो आज के जो पानी की डेट थी वो फ्रेंड्स कॉलोनी सोलन और सोलन ब्रूरी की है, लेकिन पाइप फट जाने की वजह से टूट जाने की वजह से क्योंकि फोर लेन का काम इस वक्त चला हुआ है, तो उसकी वजह से शहर के काफ़ी सारे, क्योंकि वार्ड नंबर 4
सोलन शहर का सबसे बड़े वार्डों में शुमार होता है और आधे वार्ड की पानी की आपूर्ति इस वक्त बाधित हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पाइपलाइन को जोड़ने का काम इस वक्त चला हुआ है और सोलन में इस तरह की समस्याएं अक्सर देखने को मिलती है जब पानी की आपूर्ति प्रभावित होती है और सोलन में तो हमेशा ही पेयजल संकट हमेशा गहरा रहता है। सर्दी बरसात के दिनों में सोलन शहर में करीब 4 दिनों बाद करीब 8 दिनों बाद पानी की आपूर्ति हो रही थी, कई बार 10 दिन बाद पानी की आपूर्ति हो रही थी, लेकिन उसके बाद पानी की आपूर्ति को सुचारू तो किया गया है, लेकिन आजकल के दिनों में भी 4वें दिन शहर में पानी की आपूर्ति हो रही है और जिन क्षेत्रों में आज पानी पहुंचाया जाना था वहां पर पाइपलाइन टूट जाने की वजह से अब उन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बाधित हुई है। हालांकि पाइप को जोड़ने का काम इस वक्त चला हुआ है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोलन निर्माता कंपनी के ही कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। हालांकि नगर निगम की यह पाइपलाइन है और नगर निगम के कर्मचारियों की यह जिम्मेवारी भी बनती थी, लेकिन मौके पर इस वक्त अगर हम देखें तो सोलन के कर्मचारी भी लगे हुए हैं जो पाइप को जोड़ने में, क्योंकि उनके अलग अलग बिल है, कोई सड़क बनाने वाले हैं तो पाइपों का काम भी कोई आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ पर सर्विस लेन का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि अब फ्लाईओवर लगभग बनकर तैयार हो ही गया है, थोड़ा सा काम बचा हुआ है, एक दो हिस्से का अभी लेटर करना है और उसके बाद लग रहा है कि आने वाले 2-3 महीने में फ्लाईओवर शुरू हो सकता है। वाहनों की जो आवाजाही है चंडीगढ़ की ओर से वो फ्लाईओवर के ऊपर से होगी। हालांकि इसके निर्माण में करीब 4 वर्ष हो गए हैं, जब देश में कोरोना आया था और लॉकडाउन पहला लगा था तो वर्ष 2019 में इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था, लेकिन अभी काम यह कंप्लीट नहीं हुआ है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक के ऊपर पाए लगाए गए हैं, लोहे के जो गाटर हैं वो दोनों पटरियों पर डाले गए हैं, उसके ऊपर अभी लेटर करना है, लेकिन सर्विस लेन को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है ताकि वाहनों के जो सोलन के की ओर शहर की ओर जो वाहन जाएंगे या फिर सोलन के आसपास के क्षेत्रों के जो वाहनों की आवाजाही रहेगी वो इसी लेन से रहेगी, इसीलिए काम इसका चला हुआ है। लेकिन बीच बीच में और आप देख रहे हैं कि काम यहाँ पर चला हुआ है और जिस तरह से, क्योंकि जहाँ पर काम चला है वहीं पर ही पाइप थी जो ब्रूरी के लिए यहाँ से पानी की आपूर्ति की जाती है, क्योंकि ब्रूरी को पानी की आपूर्ति चंबा घाट से है और ब्रूरी काफ़ी मशहूर क्षेत्र नेशनल हाईवे के ऊपर बसा हुआ और यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूरी के ऊपर है, तो पूरी ब्रूरी क्षेत्र को पानी की जो पाइप यहाँ से जा रही है वो टूट गई है और इसके साथ फ्रेंड्स कॉलोनी आप देख रहे हैं कि चंबा घाट की फ्रेंड्स कॉलोनी है, तो यहाँ के लिए भी पानी की आपूर्ति इसी पाइप से हो रही थी जो इस वक्त टूटी हुई है। नमस्कार जी, पंजाब केंद्रीय टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन शहर के कई क्षेत्रों में आज पानी की आपूर्ति बाधित हुई है, विशेषकर वार्ड नंबर 4 के ब्रूरी और फ्रेंड्स कॉलोनी एरिया में। कारण है कि फोरलाइन निर्माता कंपनी यहाँ पर फोरलाइन की सर्विस लेन का निर्माण कर रही है और इसके सड़क के नीचे पाइप नगर निगम की जो पानी की पाइप है उसके साथ ही कॉलोनी को पानी की आपूर्ति की जाती थी वो अब टूट गई है और 4वें दिन शहर में पहले ही पानी आ रहा है और इन कॉलोनियों में आज पानी की आपूर्ति ठप हो गई। 4 दिन बाद पानी मिलना था, लोगों में काफ़ी निराशा भी है क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ पर एरिया है सोलन शहर के वहाँ पर अक्सर पानी का संकट गहराया रहता है। सोलन की भी इसी तरह की स्थिति है। सोलन शहर में यदि हम बात करें तो बरसात के दिनों में करीब 8 दिन बाद पानी की आपूर्ति हो रही थी और उसकी वजह से नगर निगम के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे थे। कारण था कि जिस तरह का IPS जल शक्ति विभाग और नगर निगम में तालमेल के अभाव था उसके कारण लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। गाद का पहले बहाना था, फिर बारिशों का दौर थम गया, अब तो सूखे की स्थिति प्रदेश में बनी हुई है, तो
ऐसी स्थिति में कई बार भी शहर में तीसरे यदि हम बात करें कि 4 या 5 दिन बाद पानी की आपूर्ति हो रही है, तो कई बार पानी की आपूर्ति बाधित भी होती है। कभी पाइपलाइन फट रही है क्योंकि कोहरा भी पड़ रहा है, क्योंकि सर्दियों के मौसम है और आजकल जब बारिश नहीं हो रही तो कोहरा प्रदेश में ही नहीं बल्कि सोलन में भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से पानी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। आज चंपाघाट के क्षेत्र में करीब 4 दिन बाद पानी की आपूर्ति होनी थी फ्रेंड्स कॉलोनी और धुरी के लिए, लेकिन जेसीपी की चपेट में इनकी नगर निगम की पाइप आ गई है तो वो पाइप टूट गई है और उसकी वजह से पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। अब आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कि पाइप को जोड़ने का काम चला हुआ है। नगर निगम के कर्मचारी हालांकि मौके पर तो नहीं पहुंचे हुए हैं, लेकिन उन्होंने निर्माता कंपनी के कर्मचारियों ने पाइप को जोड़ने का काम संभाला हुआ है। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं, चंपाघाट का क्षेत्र जहाँ से इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, सोलन धुरी मोहन मित्तल धुरी पहले कहा जाता था, धुरी सोलन का काफ़ी मशहूर कस्बा है और वहाँ पर इस वक्त पानी की आपूर्ति बाधित है। नीचे फ्रेंड्स कॉलोनी है, वहाँ पर पानी की आपूर्ति इस वक्त बाधित हुई है और आप देख रहे हैं कि जेसीबी यहाँ पर सर्विस के लेन का निर्माण करने में लगी हुई है, क्योंकि कुछ दिन बाद वाहनों की जो आवाजाही है अब इसी लेन से होगी सोलन शहर के लिए, और जो चंडीगढ़ से शिमला की ओर वाहन जाएंगे वो इस फ्लाईओवर के ऊपर से जाएंगे। हालांकि अभी फ्लाईओवर शुरू नहीं हुआ है, काफ़ी काम बचा हुआ है, और दूसरी तरफ को जो लेन है वो उस इसमें वर्तमान में वहाँ से वाहनों की आवाजाही दोनों तरफ के, शिमला की ओर से भी वाहन आ रहे हैं, चंडीगढ़ की ओर से शिमला की ओर वाहन भी जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि पाइपलाइन यहाँ पर जो रात को टूट गई है और उसके वजह से सोलन शहर के करीब 3-4 जो कस्बे हैं उनमें पानी की आपूर्ति बाधित है। वार्ड नंबर 4 का यह एरिया है और सोलन का सबसे बड़ा वार्ड नंबर 4 है, जहाँ पर जो स्लोगड़ा तक फैला हुआ है और इस एरिया में इस वक्त पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। और वार्ड नंबर 4 में ऐसे भी पानी की समस्या मैक्सिमम रहती है, जब शहर में तीसरे दिन पानी की आपूर्ति होती है तो चंपाघाट क्षेत्र को में चौथे दिन ही पानी की आपूर्ति होती है और काफ़ी समय से इस तरह की व्यवस्था चली हुई है और यहाँ के लोग पानी को लेकर काफ़ी प्रभावित भी हैं, परेशान भी हैं और स्नैप कई बार लोग यहाँ के मांग भी कर चुके हैं कि तीसरे दिन पानी की आपूर्ति की जाए, लेकिन नगर निगम की ओर से अभी इस तरह का कोई निर्णय या कोई आदेश नहीं जारी किया गया है और यही वजह है कि चौथे दिन भी आज सोलन चंपाघाट क्षेत्र के कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति नहीं हुई। तो पंजाब केसरी टीवी में तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और आप देख सकते हैं तस्वीरें, इस वक्त फोरलाइन निर्माता कंपनी के कर्मचारी पाइप को जोड़ने में लगे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ताकि पानी की आपूर्ति जल्द से जल्द बहाल हो सके जिन क्षेत्रों में पानी का आज प्रभावित हुई है। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।